Assalamu alaikum and a very warm welcome to everybody who's tuning in right now or who has already tuned in. My name is Moiz Kamal and I work for Sehat Kahani. Aaj hamare saath hamari COVID series during Ramadan ke andar hame join kiya hai Dr. Afsha ne, jinhone hame Canada se join kiya hai aaj, jo ki hamare saath discuss kar rahi hongi about the third wave of COVID, how COVID vaccination is absolutely integral, jo ki hame session ke andar following pata chalega. Sehat Kahani is a telemedicine platform. Is a telemedicine platform which is providing healthcare solutions via an online. We provide telemedicine solutions to the masses all across the globe. हमारे पास इस वक्त currently 5,000 healthcare professionals मौजूद हैं. उनमें से हमारे साथ महारत रखने वाली डॉक्टर अशरा जैसे और भी लोग हैं. But nonetheless, आज हमारे साथ चूंकि डॉक्टर अशरा ने ज्वाइन किया तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू. Great. Dr. Afsha, main ek cheez sirf reiterate karna chahunga before we start before we get started with our session. उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त डॉक्टर्स के पास जाने से गुरेज कर रहे हैं, जो लोग डर रहे हैं हॉस्पिटल्स जाने के लिए, सेहत कहानी इज करंटली ऑफरिंग फ्री जीपी सर्विसेज ऑल अक्रॉस पाकिस्तान. ऑल यू नीड टू डू इज दैट यूज प्रोमो कोड कहानी 2021 एंड यू कैन एक्सेस द बेस्ट जीपीज इन टाउन. सो दैट वाज द ओनली स्मॉल और लिटिल बिट दैट आई वांटेड टू ऐड बिफोर वी स्टार्टेड ऑफ विद अ सेशन डॉक्टर अशा. सो डॉक्टर प्लीज बताएं कि क्या सिचुएशन चल रही है फॉर कनाडा के अंदर. हाउ आर थिंग्स लुकिंग आउट, हाउ आर थिंग्स लुकिंग फॉर पीपल विद कोविड एंड विदाउट कोविड? राइट, सो जैसे कि हमें पता है कि यू नो वी आर ऑल एंटरिंग द थर्ड वेव, राइट? वी आर ऑल इन द काइंड ऑफ इन द मिडल ऑफ अ थर्ड वेव नाउ. सो यहां पर तो ये है कि वी हैव वैक्सीन रोल आउट स्टार्ट हुआ हुआ है, यू नो वी आर ट्राइंग टू गेट पीपल वैक्सीनेटेड. लेकिन ये कि इंटेंसिटी एंड सिवियरिटी ऑफ कोविड दिस टाइम अराउंड हैज़ बीन मोर, एंड अनफॉर्चुनेटली के ग्लोबली भी जो है वो इफ़ यू सी के सिवियरिटी जो है वो ज़्यादा है. पाकिस्तान के अंदर भी यू नो नाउ राइट नाउ अब ईद आने वाली है, यू नो रमज़ान का लास्ट पार्ट चल रहा है. सो इट्स जस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो बहुत सारे एस ओ पीज़ फॉलो करें. वैक्सीनेशन रोल आउट होना शुरू हो गई है तो जितने लोग एलिजिबल हैं वो उतना कोशिश करके और वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करें ताकि जितनी जल्दी हो सके यू नो वी आर एबल टू ओवरकम दिस डिजीज, बिकॉज वी सी दैट द सिवियरिटी हैज़ इंक्रीज्ड एंड वी ऑल्सो सी के स्ट्रेन्स भी बहुत मुख्तलिफ किस्म के आ रहे हैं जो कि हमारी डिजीज इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं. तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है यू नो वी ट्राई एंड ओवरकम, स्पेशली वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो जो लोग एलिजिबल होते जा रहे हैं और जो रजिस्टर अपने आप को करते रहें तो वो अपनी सीरीज कम्प्लीट करना शुरू कर दें. Fantastic. Very well put together, Dr. Afsha. Dr. Afsha, हमारा आज का session है predominantly about COVID vaccination. So we have been conducting this series previously as well, जिसके अंदर हमने बात करी है कि क्यों इतना integral है. In fact, हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के अंदर people are not getting their vaccination done, which is why we've got like a surplus amount of vaccinations which are lying around. अब हम अगर आप देखें 40 and above वालों को वैक्सीनेशन मिलना शुरू कर दिया. सो वी आर अर्जिंग एवरीबॉडी हु फॉल्स अंडर दिस एज ब्रैकेट टू गो गेट द वैक्सीनेशन डन, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. आपको नहीं पता आपके इर्द गिर्द आपके वालदैन हैं, आपके भाई बहन हैं, ज़ईफ लोग हैं, दे कैन एनीबॉडी कैन फॉल सिक, राइट? बिल्कुल. तो जी एब्सोल्युटली. सो यू नो दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस, वन दैट यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, कि आपको अपने आप को हिफाजत करनी है, और दूसरा जब आप अपनी वैक्सीन लेते हैं तो आपके ज़रिए दूसरे लोग भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं इस तरह से कि आप उसको फिर जो इंटेंसिटी है बीमारी की इंटेंसिटी है कम अज़ कम हमें इतनी श्योरिटी डेफिनेटली मौजूद है कि वो सिवियरिटी जो है वो डिज़ीज़ की कम हो जाती है. एंड जैसे जैसे हम जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना शुरू करते हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन वैक्सीनेट होती है, तो जो इवन इफ़ समबडी स्टेज अनवैक्सीनेटेड देयर चांसेज ऑफ कैचिंग द डिज़ीज़ गोज़ वेरी लो. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत एफर्ट जो है वो करनी है, और लोगों को जो है इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड. Fantastic.
तो ये अगर हम इसको नटशेल के अंदर समराइज करें तो ये एक क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोगों के अंदर निकल कर आता है कि व्हाई शुड आई गेट माय सेल्फ वैक्सीनेटेड। तो डॉक्टर अशा ने हमें बहुत ही अमेजिंग तरीके से इस बात को आंसर किया कि टू कीप अदर्स प्रोटेक्टेड, टू कीप ऑल दोज अराउंड अस प्रोटेक्टेड, देयरफॉर व्हिच इज इट इज एब्सोल्युटली क्रूशियल और मैंडेटरी फॉर एनी इंडिविजुअल टू गेट द वैक्सीनेशन डन। राइट, फैंटास्टिक। डॉक्टर अफशान, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों का ये बहुत ज्यादा सवाल आता है कि विल आई एक्सपीरियंस एनी साइड इफेक्ट्स और एडवर्स रिएक्शन आफ्टर गेटिंग द कोविड वैक्सीनेशन? So what happens is just as with any regular vaccination, what happens is कि थोड़ा बहुत जो है वो बॉडी एक हो सकता है, थोड़ा सा इंजेक्शन साइट पे लोकल रिएक्शन हो सकता है या चिल्स हो सकते हैं, हेडेक्स हो सकता है, जस्ट विच इज समथिंग कि जो हम नॉर्मली भी कोई भी नॉर्मल सिर्फ सिंपली टाइलेनॉल या पैनाडॉल भी लेते हैं तो उसकी भी एक साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है. बट जी विद दिस इन दिस सिचुएशन ऑल वी नीड टू डू इज कि हम ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स के बारे में फिक्र ना करें, अनलेस खुदा ना खास्ता इफ यू हैव हैड अ सिवियर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, जो व्हिच मींस कि सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ इन द पास्ट विद वन ऑफ द वैक्सीन्स, कोविड वैक्सीन्स, तो जी फिर उस सूरत में इट विल बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू गेट इट अगेन. लेकिन अगर कोई और एलर्जिक रिएक्शन था तो इट्स बेस्ट कि आप फिर डिस्कस कर लें अपने फिजिशियन के साथ. और फिर लेकिन यूजुअली जब वैक्सीनेशन लगती है तो उसके बाद 15 to 30 minutes जो है वो वेट किया जाता है बिफोर लेटिंग द पेशेंट गो होम. तो इसलिए बेहतर ये है कि जी इससे डरे नहीं बिल्कुल भी, कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, डरने की एब्सोल्युटली ज़रूरत नहीं है. बट जस्ट गो अहेड एंड गेट द वैक्सीनेशन डन. और अगर छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि हल्का फुल्का बुखार हो जाता है तो सिंपली जी पैनाडोल एनाल्जेसिक से काम चल जाएगा. आइस पैकिंग कर लें जहाँ पर आपको इंजेक्शन लगा है, अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत पेन हो रहा है, बट इट दैट्स नथिंग टू रियली वरी अबाउट. फैंटास्टिक, दैट इज ब्रिलियंट। ये क्योंकि बहुत सारे मुझे मुझे डेफिनेटली मेरे काफी फ्रेंड्स भी हैं जिनके पेरेंट्स हैं, उनके अंदर एक सोने का बहुत ज्यादा अल्फिया पाया गया। इनफैक्ट मेरी मदर, शी वेंट टू गेट अ वैक्सीनेशन डन, सो शी केप स्लीपिंग फॉर डे, फॉर अ डे और टू शी वाज जस्ट लाइक यू नो शी पास्ड आउट। सो माय मॉम That's वाज actually लाइक very रियली interesting. वर्ड। That's actually very interesting because हो सकता है कि वो एक जहन पर प्रेशर होता है मोस्ट जी प्रोबेबली, कि जी यू नो इट्स दैट स्ट्रेस ऑफ गेटिंग द वैक्सीनेशन, पता नहीं मुझे क्या होगा, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, इट्स अ न्यू थिंग, इट्स अ न्यू वैक्सीन, सो जी मे बी जब वो जी खत्म हो जाती है तो इट्स जस्ट प्रोबेबली लाइक अ रिलीफ एंड यू नो यू जस्ट एंड अप स्लीपिंग मोर, मे बी दैट कुड बी वन पॉसिबिलिटी. Absolutely जी agree. सही हो, yeah, very well put together, Dr. Afshan. Next up हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि how can I take care of the side effects? सो यू नो विच एज आई सेड कि साइड इफेक्ट्स के लिए इफ़ यू हैव लो ग्रेड फीवर, जैसे अगर हल्का बुखार है या जी फिर आपको, तो आप उसके लिए एनाल्जेसिक्स ले लें, पैनाडोल ले लें सिंपली. इफ़ यू थिंक कि आपको पेन हो रहा है द साइड ऑफ द इंजेक्शन तो फिर आइस पैक्स यूज कर लें थोड़े एक दिन जी के लिए. यू नो जस्ट बी केयरफुल कि आर्म को बहुत ज़्यादा लिफ्ट ना करें. बट अदर देन दैट इट शुड जस्ट गो अवे विद इन अ डे, इट शुड गो अवे विद इन अ डे, जी मैक्सिमम एक दो दिन में ख़त्म हो जाएगा. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यू एक्सपीरियंस बहुत तेज़ बुखार होना शुरू हो जाए या जी यू नो समथिंग आउट ऑफ द अनयूजुअल के स्वेलिंग बढ़ना शुरू हो जाए बहुत ज़्यादा एट द इंजेक्शन साइड, तो फिर उस सूरत में जी देन इट्स बेटर टू गेट इन टच विद योर फिजिशियन इमीजिएटली. लेकिन उसके डेफिनेशन अलावा जो है वो इट्स नॉट इसके बारे में परेशान होने की या यू नो इट्स नॉट अ रीजन टू नॉट गेट वैक्सीनेटेड. बिल्कुल, ऑफ कोर्स। Which, if we were to link, let's link it up to the next question, which we've received. अच्छा, ये जो हमने सवालात किए हैं, ये हमारे पास पॉपुलर डिमांड के ऊपर आए काफी ज्यादा। ओके People reach out to us on Facebook and ओके on other social media platforms, जिसके अंदर बहुत ज्यादा बाकायदा कंफ्यूजन है अभी भी लोगों के अंदर, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जहां पर एक आबादी है 220 मिलियन के ऊपर। People are still like, you know, really confused and concerned. Should we get the vaccination done? Is there a religious, like, you know, thing behind it? Should we not get it done? Because, like, you know, there have been instances and times जब पोलियो के ऊपर बहुत ज्यादा बिल्कुल एक शिद्दत से ऑपोजिशन आती थी, तो पीपल आर स्टिल कंफ्यूज कि हमें वैक्सीनेशन लगवानी भी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए यू नो दैट्स एक्चुअली तो वेरी जी इंटरेस्टिंग जी सॉरी
नहीं, प्लीज प्लीज गो फॉर इट. दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यू नो जो हम इतना जैसे रिलीजन के अगर हम बात कर रहे होते हैं, सो इट्स ऑल्सो मोर ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट रीजन कि हमें वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए, बिकॉज इफ़ यू नॉट रियली जी थिंकिंग अबाउट आर सेल्व, तो हम दूसरों के बारे में सोचकर और वैक्सीनेशन कराएं ताकि एटलीस्ट हमारे जरिए वो प्रोटेक्ट हो रहे हो. सो यू नो मे बी दैट्स अनदर बिल्कुल. एस्पेक्ट टू इट के यू नो एब्सोल्युटली नो रीजन वाई वी शुडंट गेट इट डन इवन इन अ रिलीजियस परस्पेक्टिव. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो डॉक्टर अफशा, नेक्स्ट अप जो हमारे पास सवाल है वो ये है, एम आई प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोविड वैक्सीन फुली ऑन वैक्सीनेशन, और आर देयर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इफ, या और आर देयर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन? ओके, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि कोविड वैक्सीनेशन जब हो जाती है, सो यू नो वी नो दैट नो वैक्सीन इज 100% इफेक्टिव, राइट? इवन फॉर द अदर 20 डिजीजेज दैट वी हैव द वैक्सीनेशन फॉर, चांसेस जी आर कि एक दैट दे माइट अकर. बट एक अच्छी बात ये होती है कि जब आप वैक्सीनेट हो जाते हैं तो जो डिजीज सिवियरिटी है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, उनको जो है वो आईसीयू या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, एटलीस्ट वो डिजीज सिवियरिटी जो है वो बहुत हद तक कम हो जाती है. एंड ओके. माइल्डर आइदर दे रिमेन एसिम्प्टोमेटिक और दे हैव वेरी माइल्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज. सो जो जो कि सही है. एक एक चीज़ ये हो गई. दूसरी चीज़ ये हो गई कि व्हेन यू हैव कंप्लीटेड दैट, अपनी आपने जो डोज सीरीज अपनी 2 डोज सीरीज कंप्लीट कर ली वैक्सीनेशन के लिए, जैसे सिनोफार्म अवेलेबल है इस वक्त या स्प्यूटनिक या जो प्राइवेटली भी मिल जी रही है, सो आपके जो इस वक्त जो डेटा है वो इवॉल्व कर रहा है. सो वी वी नॉट वेरी श्योर कि आपके वैक्सीनेशन लगने के बाद इट्स पॉसिबल कि आप एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं, यू कैन बी अ कैरियर, यू कुड स्टिल हैव द पॉसिबिलिटी कि आप दूसरों को पास ऑन करें. इसलिए ऑल द मोर रीजन कि जो अभी हमारी मास्किंग है, जो एसओपीज हैं, जी वो हम वी कंटिन्यू टू फॉलो दोज अनटिल वी आर एब्सोल्युटली श्योर और वी हैव पॉपुलेटेड एटलीस्ट हमारी जो मेजर पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो जाए. तो एक ये चीज़ है. दूसरी चीज़ ये है कि री इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो कोविड, एक दफ़ा कोविड अगर हो जाए सो सेकेंड टाइम कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज जी अनलेस दिस इज़ विदाउट अ वैक्सीन. सो इफ़ यू हैव हैड कोविड देन योर मैक्सिमम इम्यूनिटी दैट लास्ट इज 6 वीक्स टू अबाउट 3 मंथ्स, सो योर चांसेज ऑफ री कैचिंग द कोविड इन्फेक्शन इज स्टिल देयर. और हम इस तरह के मरीज देख रहे हैं कि जिनके अंदर दोबारा कोविड हो रहा है, तो एक दफ़ा उनको हो चुका है लेकिन देव बीन री इन्फेक्टेड विद कोविड, सो देन दैट मेक्स इट जी ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू बिकम वैक्सीनेटेड. सो फॉर बोथ रीजन्स, के टू प्रिवेंट के दोबारा से आपको कोविड हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश ये करें कि जो सिवियरिटी है उसको कम करने के लिए इस वक्त वैक्सीन जो है वो लगवा लें. बाकी ये कि जिस तरह से रिसर्च आती जाएगी और डेटा आता जाएगा तो हमें और ज़्यादा श्योरिटी मिलेगी कि हाउ लॉन्ग द इम्यून इफेक्ट जी लास्ट या कितनी दिनों तक रहता है. और जिस तरह इन्फ्लुएंजा वायरस है कि वो हर साल अपनी यू नो एंटीजेनिक ड्रिफ्टिंग होती है, चेंज करता है अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यू नो You वी just नीड अ read न्यू, my mind. या सो वी जस्ट नीड दैट वैक्सीन एवरी ईयर, राइट? तो उस हिसाब से वी आर नॉट रियली श्योर हाउ ऑफन वील बी नीडिंग दिस वैक्सीन और वेदर यू नो एट वन पॉइंट वील हैव द लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी या नहीं. लेकिन अभी जैसे जैसे पता चलता जा रहा है, जैसे जैसे हमें, बट वी नो कि इट्स नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग, लेकिन एटलीस्ट जो अवेलेबिलिटी है उस वक्त हमें कर लेना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट वी आर एबल टू कॉम्बैट थोड़ा बहुत उसे कम कर तो कर सकें, कि जो जी डिजीज डिजीज की जो प्रेवलेंस है उसको कम तो किया जा सके. बिल्कुल ऐसा ही है. एक बहुत इंटरेस्टिंग केस कहूंगा मैं. पीपल हु बीन गेटिंग वैक्सीनेटेड, दे हैव बीन सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड एज वेल. अब एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैल रहा है कराची के अंदर, जो कि मैंने देखा है कि सबके अंदर बहुत ज्यादा एक एंग्जाइटी, एंक्शियसनेस आ गई है कि भाई हमने तो वैक्सीन लगाई थी, हमें 3 दिन के बाद कोविड हो गया. एक ये बहुत एक अलमिया है जो कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन होती है, और उस अभी आपको वैक्सीन अगर लगी है तो आपके अंदर इंजेक्ट, अगर डॉक्टर साहब आप ज्यादा बेहतर, आई मीन यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू पुट सम लाइट, यू नो शेड सम लाइट ऑन दिस यू नो टॉपिक. सो देयर आर टू थिंग्स टू इट. एक चीज तो हमें ये समझनी जरूरी है कि ये लाइव वैक्सीन नहीं है. जो हमारे पास इस वक्त अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये लाइव वैक्सीन्स जी नहीं है. सो मोस्ट बिल्कुल. प्रोबेबली जो एक्सपोज, और वी आर इन द मिडल ऑफ अ पेंडेमिक, राइट? सो अब अगर किसी को इंजेक्शन वैक्सीनेशन लगी है तो इट्स क्वाइट लाइकली दैट दे वर ऑलरेडी एक्सपोज टू द वायरस. इट डज नॉट मीन कि उनको बिल्कुल. वैक्सीनेशन लगने से वायरस हो गया है.
उनको मोस्ट लाइकली पहले से एक्सपोजर था, और जो कि हम देख रहे हैं कि लोगों को जो है वो बहुत आराम से, बिकॉज राइट नाउ यू नो हर तरह का बुखार जो है वो इस वक्त वी शुड अज्यूम कोविड अनलेस वी प्रूव इट अदरवाइज. तो अगर उनको पहले से सिम्टम्स थे, बिकॉज एज वी नो इंक्यूबेशन पीरियड भी 14 दिन का होता है, तो इट माइट टेक सम टाइम फॉर देम टू मैनिफेस्ट, एंड इट कुड वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस प्रॉबली है कि वैक्सीनेशन लगी और उसके बाद कोविड पॉजिटिव निकल आए. इट इज स्टिल जी पॉजिटिव पॉसिबल कि वो एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन जो सिवियरिटी है वो फिर अगेन एज आई सेड के वो कम हो जाती है. तो योर चांसेस ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल, योर चांसेस ऑफ यू नो टेकिंग लॉन्गर टू रिकवर, ये चीज़ें ज़रा कम होती जी हैं. प्लस ये कि वी नो कि कोविड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं पता हमें. वी नो कि इट माइट अफेक्ट योर हार्ट, इट माइट अफेक्ट योर यू नो इट्स अ जो इंक्रीज क्लॉटिंग हो सकती है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें जो है वो मिनिमाइज होती हैं. और दूसरी चीज़ ये कि जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं उनको जब हम नज़र में रखें, या हम उनको देखें कि रिलेटिवली न्यूअर डिजीज, सो वी डोंट नो वॉट जी यू नो वॉट इट माई लीड इन टू. सो इट्स बेटर टू प्रोटेक्ट आर सेल्व्स. अगेन वैक्सीनेशन, टू वेज टू डू इट राइट, वैक्सीनेशन एंड देन जो जी आपने आपको सोशली डिस्टेंस करके एंड मास्क करके और सैनिटाइज जी करके फ्रीक्वेंटली, तो दीज आर द थिंग्स. एंड व्हेन जब वैक्सीनेशन मौजूद है तो व्हाई नॉट, यू नो आई थिंक वी शुड ऑल जस्ट मेक एन एफर्ट टू गो फॉर इट. अग्रीड, 100% अग्रीड, बिल्कुल सही कह रही हैं आप डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, दिस अदर क्वेश्चन व्हिच वी रिसीव्ड ऑन पॉपुलर डिमांड, जो हमारे नेक्स्ट अप है वो ये है कि वर्ल्ड, आई ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड कोविड, डू आई स्टिल नीड द वैक्सीन? या सो यू नो व्हाट हैपेंस इज, एज आई सेड अर्लियर, कि जो इम्यूनिटी है कोविड की यूजुअली मैक्स इट, सो द इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि अगर आपने एज एज एन इंडिविजुअल इट डिपेंड्स कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स कितना अमाउंट हुआ है. सो अगेन इट्स बिल्कुल नॉट लाइफ लॉन्ग, एज वी नो मैक्सिमम इम्यूनिटी जो आपकी रहती है वो 6 हफ्ते, 3 महीने एट द मोस्ट, शायद 6 महीने, लेकिन दैट्स ऑल्सो वेरी अनलाइकली. सो द मोर सिवियर कोविड दैट यू हैड, अगर आप उससे रिकवर करके घर आ गए, सो इट्स हायर जी चांस कि आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ी हुई है. बट इफ़ द माइल्डर डिजीज दैट यू हैड, यू प्रोबेबली हैड अ लोअर अमाउंट, लोअर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, या लोअर आपकी इम्यूनिटी थी. सो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू गेट री इन्फेक्टेड वंस दैट दैट पीरियड इज़ ओवर. तो यू नो बियॉन्ड द जी सिक्स, बिकॉज वी हैव सीन के बियॉन्ड द 6 वीक्स एंड 3 मंथ्स भी लोगों को री इन्फेक्शन हुआ है, एंड इट्स जी नॉट अनकॉमन. ठीक हो गया। सो यानी कि रीइंफेक्शन हो सकता है, बिल्कुल और नजर आते हैं हमें कराची के बिल्कुल अंदर भी। मैं अपनी पाकिस्तान की और कराची की बात करूंगा, सो बिल्कुल वी गेट टू सी बिल्कुल अ लॉट ऑफ पीपल जो जी रीइंफेक्शन की तरफ मुब्तला होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अप डॉक्टर साहब, जो सवाल है वो ये है कि वर्ल्ड वाइड वैक्सीन अवेलेबिलिटी एंड इन पाकिस्तान, क्या हमें किस तरफ जाना चाहिए? लाइक वर्ल्ड वाइड अगर अभी थोड़ा हमें पर्सपेक्टिव बता सके, और पाकिस्तान के अंदर क्या किस तरफ हमें जाना चाहिए वैक्सीन के हवाले से? यू नो तो उसके अंदर बहुत ज़रूरी है दैट वी लुक एट द लोकल पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस. जैसे हम पाकिस्तान में हम देखें कि जो मिनिस्ट्री, जो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस हैं, जो गवर्नमेंट जिस तरह से रोल आउट कर रही है वैक्सीनेशन, आई थिंक दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. कि जो जिस जी तरह से लोगों को लाइक ऑर्गेनाइज तरीके से एज वाइज, वल्नरेबिलिटी वाइज, उन्होंने जो है बहुत अच्छी तरह से जो है वो रोल आउट किया है. सो आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट वे ऑफ डूइंग इट. बस ये कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करते रहें, जो जिस तरह से गाइडलाइंस आती जा रही हैं उनको फॉलो करते रहें, जी एंड इट शुड वर्क आउट बेस्ट फॉर एवरीबॉडी इंशाल्लाह. मैं और इंशाल्लाह जी एब्सोल्युटली बिल्कुल, एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन वैक्सीनेशन के. जैसे अब वर्ल्ड वाइड भी लाइक वी हैव काफ़ी सारे ऑप्शन हैं मौजूद ऑलरेडी. कुछ की कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, लेकिन ये कि आई गेस के वो आप अपनी लोकल पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस देखें और उस हिसाब से जो है वो जी अपने आप को जाकर वैक्सीनेट कराएं. बिल्कुल ऐसा ही है। इवन इन पाकिस्तान वी गॉट लाइक अ कपल ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल एट प्राइवेट हॉस्पिटल्स। जी जी नॉनetheless गवर्नमेंट इज प्लेइंग इट्स पार्ट। हमें गवर्नमेंट जो है वो लगा रही है वैक्सीन। लाइक माय मदर, शी वेंट एंड शी गॉट अ वैक्सीनेशन डन एंड शी वाज एक्सट्रीमली स्टैटिक कि भाई बहुत ही प्रॉपर स्ट्रक्चर था, बहुत ही प्रॉपर निजाम था। एवरीबॉडी वाज वेयरिंग अ मास्क, देयर वाज बिल्कुल दे वर मेंटेनिंग सोशल, दे वर बीइंग सोशली डिस्टेंट। तो बहुत अच्छा सेटअप लगा हुआ है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी हु कैन जी एक्चुअली अवेल द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग अ वैक्सीनेशन डन, देन व्हाई नॉट? यू नो बिल्कुल आप बेहतरी है, लाइक यू नो अदर देन जस्ट लाइक लूजिंग योर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल
डॉक्टर साहब, नेक्स्ट अप सवाल जो है वो ये है कि विल इट प्रिवेंट एसिम्प्टोमैटिक ट्रांसमिशन वैक्सीन? सो यू नो एसिम्प्टोमैटिक ट्रांसमिशन का अगेन द सेम थिंग कि हम वी डोंट नो येट, यू नो लाइक वी हमारे पास अभी भी यू नो लाइक डेटा इवॉल्व हो रहा है, रिसर्च हो रही है जी इसके बारे में, बट एटलीस्ट ये कि यू कैन व्हेन यू कैन स्टिल हैव द वायरस इनसाइड यू, इट इज पॉसिबल कि आप उसको पास ऑन करें इवन डिस्पाइट अ वैक्सीनेशन. लेकिन ऑल द मोर रीजन कि जब वैक्सीनेशन हो जाए तो उसके बाद भी जो हम SOPs हैं उनका पूरा का पूरा ख्याल रखते रहें ताकि हम उसके चांसेस को कम कर दें. लेकिन जो यू नो व्हेन यू हैव बीन वैक्सीनेटेड देन योर चांसेस ऑफ पासिंग ऑन द इन्फेक्शन बिकम्स लो एंड ऑल्सो योर चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सिवियर डिजीज बिकम्स लेस. तो इट्स बेटर कि फिर वैक्सीनेशन भी करें लेकिन साथ साथ SOPs को भी फॉलो करते रहें सो दैट वी कैन एक्चुअली 100%। बिल्कुल से डिक्रीज कर सकें ट्रांसमिशन को. बिकॉज वी नो इट्स अ पर्सन टू बेहतरीन। पर्सन ट्रांसमिशन, राइट? सो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम जो है वो दूसरे लोगों के साथ अपने डिस्टेंसिंग रखें. अगेन आई री एम्फसाइज मास्क अपना पहने रहें, पब्लिक क्राउडेड जगहों को अवॉइड करें, और स्पेशली जो अब ये टाइम आ रहा है बहुत क्रिटिकल टाइम आ रहा है ईद का, जो शॉपिंग जी करने के लिए लोग आते हैं जा रहे होते हैं क्राउड कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ों को अवॉइड अवॉइड करें. जी बिल्कुल ऐसा ही है। इनफैक्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट दे टेकिंग द मेजर्स, दे आर टेकिंग लाइक रियली रियली प्रोएक्टिव मेजर्स। हमें एक जी हफ्ते जी की जी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल ये एक वीकेंड टाइप लंबा वीकेंड है, मगर ये बहुत ही अच्छा अक्लमंदी का जी तकाजा है, क्योंकि हमारे नेबरिंग जो ममालिक हैं उनके 2 से 3 महीने के बाद वो रिएक्शन या इफेक्ट्स हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं प्रीटी मच, कि जो 2-3 महीने पहले नेबरिंग कंट्रीज में होता है वो 2-3 महीने बाद पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान जी सो इन जी ऑर्डर टू कर्ब ये वाइड स्प्रेड थर्ड वेव को अगर कर्ब करने के लिए अकलमंदी की है, एवरीबडी शुड वेयर अ मास्क। हम मगर अभी भी लाइक यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे डोंट वांट टू वेयर अ मास्क, दे डोंट वांट टू मेंटेन, लाइक उनको समझ में अभी भी नहीं आती बिल्कुल है। बल्कि यू नो सो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप खुद भी पहने और जो नहीं पहन रहा है उसको भी बल्कि कहें कि वो पहने, यू नो बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. और स्पेशली जब खांसे या जी छींकें तो जस्ट मेक श्योर कि अपनी यू नो आप यू नो नॉट ऑल ओवर बट एटलीस्ट मास्क पहना हुआ हो, या एटलीस्ट जस्ट मेक श्योर कि जब आप खांस रहे हो तो उसको कर्टेल करें, रिस्ट्रिक्ट करें उस अपने एंड अपने हाथ बहुत धोते रहें कॉन्स्टेंटली, अपने कॉन्स्टेंटली हाथों को जी अवॉइड करें कि आँख नाक से टच ना करें, तो बिल्कुल ताकि ट्रांसमिसिबिलिटी कम हो और इन्फेक्शन के ऊपर काबू पाया जा सके. जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही आप फरमा रही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट अब सवाल ये है, हमें एक्चुअली कमेंट्स आ रही हैं कि प्लीज उर्दू में अगर आप कंडक्ट कर सकें तो हम जी कोशिश ये करेंगे कि अब हम नहीं, अब मैं कोशिश करूंगा, हम दोनों कोशिश करेंगे कि सही है. तो नेक्स्ट अब सवाल ये है कि हु कैन गेट द वैक्सीन? सो एनी बडी हु इज एलिजिबल ओवर 18 ईयर्स, ऊपर 18 साल से ऊपर जो भी हैं तो वो जो जी हैं बिल्कुल ये वैक्सीन लगवा सकते हैं. उससे अंडर 18 साल से लोअर कम एज ग्रुप के अंदर जो है वो अभी अगेन के ट्रायल्स हो रहे हैं और रिसर्च हो रही है, जी लेकिन ये कि इनिशिएट हुआ है. लेकिन अभी हमारे लिए रेलिवेंट ये कि 18 साल से ऊपर है, हमारी टर्न आ गई है तो हम जाके वैक्सीन लगवा लें. फैंटास्टिक। सो एनीबॉडी हुज कोई भी जिनकी उम्र 18 से ज्यादा की है वो लगा सकता है वैक्सीन, जी जी बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन हो गया। सो डॉक्टर साहब, जो नेक्स्ट अब सवाल है वो ये है कि कैन अदर वैक्सीन्स बी टेकन विद कोविड वैक्सीन? ओके. अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली. अगर इसके अंदर ये देखा जाए कि जो अगर तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है जैसे फॉर इंस्टेंस कि टेटनिस टाइप की चीज़ है कि जिसमें आपको चोट लगी है फौरी तौर पे और आपको जो है जी वो एक लगवानी है और आपका नहीं बूस्टर हुआ हुआ, तो एक डिफरेंट सिचुएशन है. बट जनरली जो है वो बेहतर ये है कि 14 दिन तक अवॉइड कर लें. अगर को अगर बहुत अर्जेंसी नहीं है किसी वैक्सीन की तो कोविड वैक्सीन लगाने के साथ साथ जो बाकी वैक्सीन है उनको 14 डेज के लिए अवॉइड कर लिया जाए तो बेहतर है. और बाकी लेकिन जो बच्चों की जो रूटीन वैक्सीनेशन है उनको फिर उन पर ज़रा ध्यान कर लें और उनको प्रॉपरली अपने टाइम से लगवा लें, जो बच्चों की जो रूटीन वैक्सीनेशन होती हैं. लेकिन जी जो उसके एडल्ट्स के लिए जो अंदर जी 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 है। जो 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 रेगुलर जो पोलियो DPT पोलियो स्पेशली
या मम्स मीजल्स, मतलब जो उनकी जो भी एज रेलेवेंट हैं वो अपना कंटिन्यू करते रहें प्रॉपरली, और जो एडल्ट्स हैं अगर उनकी कोई उस वक्त रेलेवेंस नहीं है और किसी वैक्सीनेशन की, लाइक दे कैन होल्ड इट ऑफ, तो इट्स बेटर कि उसको थोड़े दिनों के लिए होल्ड कर दें और कोविड की वैक्सीनेशन को प्रायोरिटी देके फिलहाल लगवा लें। ठीक हो गया, फैंटास्टिक। इन अ नटशेल, कोविड वैक्सीन ज्यादा इम्पोर्टेंट, हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे कि कोविड वैक्सीन लगा लें, और जो दूसरी वैक्सीन है, वैक्सीनेशन है, उसको थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर रखें। बिल्कुल, अनलेस के कोई ऐसी रीजन है, जैसे मैंने कहा कि टेट अगर गिर गए हैं, चोट लग गई है, कोई डीप वोल्ड जी हो गया है, तो उस सिचुएशन में तो डेफिनेटली डिफरेंट चीज है, बट अदरवाइज जी इस वक्त प्रायोरिटी जो है वो कोविड वैक्सीनेशन को देकर लगवा लेनी चाहिए। बेहतरीन। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट अप ये है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स? सो ये यूजुअली बहुत ज्यादा, आई मीन क्वेश्चन बहुत दफा हमसे पूछा गया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स, बहुत कंफ्यूजन है। बिल्कुल, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दो तीन तरह की जो हमारे पास जो अवेलेबल जो वर्ल्ड वाइड जो है वो इस वक्त, एक एमआरएनए वैक्सीन्स हैं जो जिसमें फाइजर और मॉडर्ना आपने सुना होगा, जो बिल्कुल एडीनो वेक्टर वायरल वैक्सीन्स हैं जो कि जैसे एस्ट्राजेनेका है या जॉनसन एंड जॉनसन है, इसके अलावा जो सिनोफार्म है और स्प्यूटनिक है, तो ये सारी वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं, बहुत मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर वैक्सीनेशंस, बट फॉर अगेन वही बात है कि इस वक्त जो है वो हमारा बस वैक्सीन शॉपिंग का टाइम नहीं है, इस वक्त जो हमें अवेलेबिलिटी मिलती है और वो अप्रूव्ड है तो वो जाके लगवा लेनी चाहिए, बिकॉज उसको किसी पॉइंट पर जो है वो कम किसी तरह से उसको जो इंटेंसिटी है बीमारी की, जो जिस तरह तेजी से फैल रही है, जिस तरह नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं और वो फैलती चली जा रही है, तो उसको कम करना, स्पेशली हम देख रहे हैं कि इंडिया में जिस तरह से जो है वो किस तरह से बीमारी फैल रही है कि ओवर 400,000 केसेस जो है वो डेली के हो रहे हैं, प्लस ये तो मॉर्टेलिटी Absolutely. रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब अमवात कितनी वाकई हो रही है उससे, तो उस सिचुएशन के अंदर जो है वो वैक्सीनेशन, तो अच्छी बात यह कि कई तरह की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और पाकिस्तान में जी सबसे और भी अच्छी बात यह कि आप चाहें तो आप प्राइवेटली भी लगवा सकते हैं, आप चाहें तो गवर्नमेंट के भी रूल्स को फॉलो करें, तो जिस तरह भी हो, बट आप बॉटम लाइन ये है कि वैक्सीनेट जो है वो कर लेना चाहिए, और वेट ना करें कि कोई खास वैक्सीन का वेट करना है कि ये वाली लगानी है या कोई और, जो आप अपनी चॉइस की वैक्सीन का वेट ना करें, बल्कि जो अवेलेबल है वो लगवा लें। बिल्कुल सही हो गया डॉक्टर साहब। एक और अलमिया या एक और कंट्रोवर्सी जो कि हमने एक्सपीरियंस करी है, वो J&J की वैक्सीन के प्रति, कि क्लॉटिंग हो रही थी। सो हमारे पास ये भी सवाल आया हुआ है कि रेयर केसेस ऑफ ब्लड क्लॉट्स कॉजिंग कंट्रोवर्सी, शैल वी स्टिल गेट द वैक्सीन? दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब जो कोविड से चांसेस हैं अमवात के या ब्लड क्लॉटिंग के या कॉम्प्लिकेशंस के, दे आर एक्चुअली हायर, वो ज़्यादा ज़्यादा हैं बनिस्बत उस वैक्सीन से। तो अगर वो वैक्सीन जो है जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है या एस्ट्राजेनेका, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में वो अवेलेबिलिटी अभी तो फिलहाल नहीं नहीं है, है सो दैट्स बिल्कुल। जस्ट इवन, बट समटाइम्स स्प्यूटनिक से थोड़ी बहुत कॉन्ट्रोवर्सी भी हो रही थी, बट द थिंग इज कि योर ठीक चांसेस ऑफ हैविंग द ब्लड क्लॉट फ्रॉम द वैक्सीन इज वेरी रेयर, आपके जो उस जी वैक्सीन से ब्लड क्लॉट के चांसेस बहुत रेयर है, ऊपर से फिर आप जब वैक्सीन लगाते हैं तो यू बिकम मोर विजिलेंट ताकि आप उसको जल्दी से फिर पिक पिक करें, लेकिन ये कि हमारे लिए रेलेवेंट इस वक्त ये है कि जो कोविड से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, सो कोविड को जो है वो रोकना ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, और उसके क्योंकि वो बिल्कुल सिर्फ 1 in a million चांस या इवन लाइक इवन इवन लेस देन दैट, सो दैट इज़ जी एक्चुअली वेरी रेयर, सो दोज सही हो कॉम्प्लिकेशंस आर गया। वेरी रेयर जी। सो एनीथिंग यू गेटिंग राइट नाउ, जस्ट गेट इट, 1 in a million का केस है। सो अपनी बिल्कुल जिंदगी बचाएं, अपने बिल्कुल प्यारों की जिंदगी जरूर बचाएं। बिल्कुल, एंड दूसरा ये कि जो जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से, एज यू नो एज वी सेड कि अवेलेबल जो भी चीज़ है, और जी इसके बारे में जो आपकी पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस कह रही हैं जो अप्रूव्ड है, बस उसको फॉलो करें। ब्रिलियंट। डॉक्टर साहब, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो अब फिर हम सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पर आएंगे, जो हमें फेसबुक के ऊपर भी आ रहे हैं, वो भी मैं डिस्प्ले करूंगा स्क्रीन के जी ऊपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपके लिए है कि व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी? ओके, सो हर्ड इम्यूनिटी ये होता है कि यू नो जब आप अपनी पॉपुलेशन को, लेट्स सपोज कि आपके 100 की पॉपुलेशन है, आपने मैनेज कर लिया कि आपने 90 to 95%, एक्चुअली 95% से ज़्यादा आपने वैक्सीनेट कर दिए लोगों को, तो जो बाकी 5% रिमेनिंग है,
दे ऑटोमेटिकली बिकॉज के वो और सब बाकी सब लोग इम्यून हो गए, तो उनकी जो चांसेस है जी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज गोज वेरी लो, तो राइट उनको जो बीमारी लगने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं. तो एज ए रिजल्ट क्या आपने जब मेजोरिटी पॉपुलेशन को जब वैक्सीनेट किया, तो द नेट रिजल्ट इज कि आपने इम्यूनिटी जो है वो बढ़ाई पॉपुलेशन के सर अंदर, और जो ट्रांसमिसिबिलिटी को कम किया, और जितने लोग जो अगर उस वक्त के लिए नॉन इम्यून है तो वो भी जो है वो उनको बच जाते हैं वैक्सीन. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं करवा रहे वैक्सीनेशन, मतलब कुछ लोग वैक्सीन ना कराने का ये रीज़न नहीं है, बिकॉज अगर वो ऐसे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं जहाँ पर लेट्स सपोज के मेजोरिटी लोग इम्यून नहीं है, तो देन अगेन द जी चांसेज ऑफ गेटिंग द डिजीज गोज हायर. बिल्कुल तो इट्स ओनली फॉर दैट रेलिवेंट फॉर दैट प्लेस दैट दे आर लिविंग इन. एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक है। लास्ट जो हमारा सवाल है इस सेशन का, व्हाट डू यू नो अबाउट दीज न्यूअर स्ट्रेन्स ऑफ कोविड वायरस? सो यू नो इट वी हैव जो जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं, जैसे यूके का एक स्ट्रेन है जी B.1.1.7, एंड यू नो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन एंड द ब्राजीलियन एंड जैपनीज एंड ऑल ऑफ, ब्राजीलियन बिल्कुल. तो ये सारे स्ट्रेन जो आ रहे हैं, सो ये जिस तरह वायरस म्यूटेट करता है ना, एज वी सेड कि जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस भी है जो म्यूटेट करता है, यू नो वी हैव द डिफरेंट वैक्सीन एवरी ईयर. सो यस आई गेस वी नीड मोर रिस डेफिनेटली नीड मोर रिसर्च रिगार्डिंग कि ये जो वैक्सीन है ऑलरेडी ये कितना प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट द डिफरेंट स्ट्रेन्स दैट आर इमर्जिंग. लेकिन क्योंकि जो स्पेशली जो यूके का जो स्ट्रेन है जो कॉजेज मोर सिवियर डिजीज, ज़्यादा तेजी से फैलता है, तो इसलिए अभी जो करंट वैक्सीन हैं क्या वो इन स्ट्रेन्स को कवर करती हैं या नहीं करती, या करंट वैक्सीन जो हैं वो या जो बीमारी का जो जो स्कोप है, जो बीमारी की जो जी समझ लें जो जो पैटर्न है या जो प्रेजेंटेशन है, क्या वो डिफरेंट होती है या नहीं. बट इतना हमें पता है कि सिवियरिटी बढ़ गई है फॉर श्योर. एंड दूसरी चीज़ ये कि जब आप सही वैक्सीन लगाते हैं तो इट माइट नॉट टेक केयर ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रेन, बट इट विल डिक्रीज द सिवियरिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट. यानी आपकी कोविड के लगने के चांसेस, शायद आपको माइल्डर इन्फेक्शन हो लेकिन आपकी सिवियरिटी बहुत कम होगी व्हेन यू हैव बीन वैक्सीनेटेड, एंड देन अगेन योर चांसेस ऑफ पासिंग इट ऑन बिकम्स वेरी लेस. तो मे बी वी नीड मोर रिसर्च डेफिनेटली कि जैसे जैसे वैक्सीन को मॉडिफिकेशन भी होती रहेगी, अपडेट होती रहेंगी जैसे नए स्ट्रेन आ रहे हैं, बट दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. आई मीन इट्स नॉट समथिंग दैट कैन हैपन ओवरनाइट, लेकिन ये आराम से होता रहेगा और हो रहा है, कॉन्स्टेंटली हो रहा है. 100%, बिकॉज कोई भी वैक्सीन डेवलप करने में, जो हमें शुरू में बताया गया था WHO की गाइडलाइंस के अंदर, 18 महीने लगता है। जी द वर्ल्ड हैज लाइक रियली कम टुगेदर एंड दे ऑल पुट टुगेदर अ वैक्सीन व्हिच इज लाइक यू नो रियली हेल्पिंग एंड एडिंग अ लॉट ऑफ पीपल। बिकॉज आप पिछले साल तक तो आप ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वैक्सीनेशन होगी, और या अ लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस टू बिल्कुल कोविड। And it's been very traumatic. I kid you not, like पिछले साल तक तो बहुत ज्यादा ट्रॉमा था बहुत सारे लोगों के अंदर, कि समझ में नहीं आ रहा था, हॉस्पिटल्स भरे हुए थे, बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन बिल्कुल उनके अंदर कितनी किल्लत और कमी थी। हमारी हर किसी को यही गुजारिश है कि अगर आपके पास एक अदद एक बहुत अमेजिंग चीज ऑलरेडी मौजूद हो चुकी है which is called the vaccination, then why not make most out of it? बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फिर 19 लाख वैक्सीन का बंदोबस्त किया है, बिल्कुल जो कि अभी आज हमारे न्यूज हमें मिली है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज यू नो वी विल बी वैक्सीनेटिंग 1.9 मिलियन मोर पीपल। सो मेक मोस्ट आउट ऑफ इट, डोंट लेट लेट दिस फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी जस्ट गो टू वेस्ट, वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल. यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सर स्पेशली दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. तो अच्छा है कि हम इसको सपोर्ट करें और जितना ज़्यादा जाके लोगों को भी इनक्रेज करें और ख़ुद भी जाएं वैक्सीन भी लगवाएं और अपने SOPs भी जो है उनको पूरी तरह से फॉलो करते रहें. तो इंशाल्लाह बिल्कुल नो देर देर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. तो इंशाल्लाह वी शुड ओवरकम दिस सून. इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब कुछ जल्दी से, आपकी टाइम हम समझते हैं आपके लिए बहुत अर्ली हो रहा होगा कनाडा के साइड के ऊपर, बट जस्ट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव पॉपड इन। सुहेल शर्वानी ही आस्क्स अस, हाउ अबाउट किड्स, कैन दे गेट वैक्सीनेटेड? इफ यस देन व्हिच वैक्सीनेशन काइंड इज सूटेबल? करंटली बच्चों के लिए जो है वैक्सीनेशन अभी अप्रूव नहीं है, सो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि अभी होल्ड ऑन टू दैट. अभी तो एडल्ट्स के ऊपर जी फोकस करें,
बच्चों को आप जिस तरह हम रेगुलर प्रोटेक्शन करते हैं, बच्चों को भी कोश, आई नो इट्स वेरी, इट्स नॉट इजी, लेकिन थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं तो समझ जाते हैं अबाउट वेयरिंग अ मास्क, और आप उनको मेक श्योर करें व्हेन दे कम इनसाइड तो अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं, दूसरे बच्चों से जी कोशिश करके उनको समझाते रहें, तो बच्चे बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, दे आर मोर फ्लेक्सिबल, जी सो एब्सोल्युटली दे डू फॉलो SOPs, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल वैक्सीनेशन का ये कि जब अप्रूव होगी तो फिर वैक्सीनेशन आप लगवाइएगा, अभी करंटली तो अप्रूव पाकिस्तान में पीडियाट्रिक जब, मतलब इट इज स्टिल अंडर ट्रायल, तो अभी आप जी अंडर 18 तो फिलहाल वैक्सीनेशन जो है वो अप्रूव नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट अप डॉक्टर साहब, जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ये है। ओके, सो समबडी, वन डॉक्टर डाइड इन द यूएस व्हाइल्स ही वाज विजिटिंग इंडिया, ही वाज वैक्सीनेटेड विद फाइजर, व्हाट्स द रीजन, डू वैक्सीन नॉट इफेक्ट इन वेरिएंट ऑफ कोविड? ओके ओके, सो दैट्स इंटरेस्टिंग, लेकिन वही बात है कि अगेन जो आई मीन यू नो दैट्स क्वाइट सैड आल्सो, लेकिन क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि इसके वैक्सीनेशन हुई भी थी उनकी फाइजर के साथ और फिर भी वो उनकी डेथ हुई, जी बट सो वन द थिंग इज कि यू नो वी प्रॉब्ली नीड मोर डिटेल्स ऑन दैट, कि उनको फाइजर की जी 2 डोज सीरीज जो थी पूरी लगी हुई थी, यू नो उनके और क्या इश्यूज थे, द बेबी ही अदर हेल्थ रीजंस और अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, तो ये थोड़ा सा बहुत जेनेरिक सा सवाल है आपका, बट आई डू अंडरस्टैंड दैट इट्स ऑफ कंसर्न, बट इट्स नॉट समथिंग दैट यू नो हम इसको यू नो इसके बारे में थोड़ा सा पहले जानना जरूरी होगा कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द जी रीजन। जी ब्रिलियंट। नेक्स्ट अप एक और क्वेश्चन है, आसमा हफीज, शी शीज आस्क्ड अस कि हाय, कैन ओके, सो अगर डू फ्लू वैक्सीन, इफ वी हैव ऑलरेडी कोविड, फ्लू वैक्सीन आप लगवा सकते हैं अगर आपको कोविड वैक्सीन लगी हुई हो, डॉक्टर साहब? बिल्कुल, कोविड वैक्सीन तो डिफरेंट फ्लू वैक्सीन जो है वो जो सीजनल फ्लू वैक्सीन अवेलेबल होती है बिल्कुल वो लगवाएं, जी लेकिन कोविड वैक्सीन का ये कि डेफिनेटली दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, सो यू नो वेदर वन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द अदर, तो ये तो अभी तक तो ऐसा नहीं है, आई मीन यू डेफिनेटली नीड अ कोविड वैक्सीन फॉर कोविड एंड अ फ्लू वैक्सीन टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, तो इसलिए बेहतर है कि दोनों वैक्सीन को आप लगाएं, बस टाइम का देख लीजिए कि उसको यू नो लाइक ट्राई एंड गेट इट एटलीस्ट 2 वीक्स अपार्ट। बिल्कुल, इम्यूनिटी के अंदर थोड़ा इश्यूज आते हैं, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट। उसके अंदर भी एंड प्लस अगर कोई वैक्सीन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो आप यू नो आपके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, आपको समझ आ जाता है, और फिर ये कि आप ओवरलैप नहीं करते तो आप इट्स जस्ट इजियर एंड लाइक बेटर कि आप थोड़ा सा स्पेस आउट कर दें। बिल्कुल सही हो गया। कमल कमरान ने पूछा, इज देयर, आई मीन आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन, शुड आई गेट इट और नॉट? अगर बिल्कुल आप वन लाइनर यस प्लीज। प्लीज गेट इट अनलेस कि आपको कोई ऐसा रिएक्शन हुआ था पहली डोज से कि जो खुदा ना खास्ता आपको यू एंडेड अप इन द हॉस्पिटल, इफ नॉट प्लीज गो फॉर इट, यस प्लीज गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड एंड ऑल्सो एनकरेज अदर पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड। ब्रिलियंटली पुट, डॉक्टर अफशा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। हम समझते हैं आपके पास बहुत जल्दी हो रहा होगा, नहीं मगर नहीं दे थैंक यू आपका सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यू नो अपॉर्चुनिटी दी इस पे, और दूसरा जी सेहत कहानी के को भी मैं कहना चाहती हूँ कि यू नो दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब सेहत कहानी, एंड आई एम एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सेहत कहानी, और आपको फैंटास्टिक। जो माशाल्लाह से ना लाइक जिस तरह से लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, सब्सिडाइज किया हुआ है, यू नो इट्स एवरीथिंग इज जस्ट फैंटास्टिक, एंड आई होप कि इंशाल्लाह मोर एंड मोर पीपल अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट इन टच विद डॉक्टर्स ऑन द वर्चुअल प्लेटफॉर्म। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हम उन तमाम लोगों से यही दरख्वास्त करेंगे, गुजारिश करेंगे कि ईद हॉलीडेज आर कमिंग अप, अगर गवर्नमेंट ने आपको छुट्टी दी है इसका ये मतलब नहीं है कि आप भागना पिटना शुरू शॉपिंग कर दें करना वापस। बिल्कुल अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी सिम्टम्स डिवेलप हो रहे हैं, आपको कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, सो यू कैन ऑलवेज कम ऑन सेहत कहानी ऐप। हमारे पास 5,000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। अभी आप फ्री GP सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक प्रोमो कोड यूज करना है, कहानी 2021, दैट इज KAHANI 2021, और आपको फ्री GP सर्विसेज मिल रही है।
So make most of this free service which is being offered by Sehat Kahani, क्योंकि आपको कभी किसी को नहीं पता कि कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं कोविड के या कोई और भी चीज हो. यू कैन यू मोर देन वेलकम टू कम ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड कंसल्ट एंड गेट कनेक्टेड विद डॉक्टर्स लाइक डॉक्टर अफशा और यू नो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट वंस अगेन. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर अफशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अंटिल थैंक यू वेरी टुमारो, मच. ओके बहुत शुक्रिया. We'll see you. We'll see our audiences once again tomorrow with a new moderator, with a new doctor. Stay tuned and Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you. Thank you. Allah Hafiz.